फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉफिट कार्ड। दोस्तों, आज मैं स्विंग ट्रेड का नया वीडियो लेके आया हूँ। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 8 नवंबर को मैंने ये वेदांता लिमिटेड मैंने दिया था। दोस्तों, ऐसे तो मैंने काफ़ी शेयर्स दिए हैं, बट मैं 8 नवंबर को वेदांता लिमिटेड दिया था, जिसका आप बाइंग प्राइस देख सकते हैं दोस्तों, 324 के आसपास है। और आप अभी इसको आप देखें, ये ट्रेड कर रहा है 368 पे दोस्तों, और जबकि ये हाई बना के आया है 370 का, और ये भी और अप मूव देगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कहीं पे बाई दिया था आपको 8 नवंबर के आसपास, और अभी यहाँ चल रहा है। मीन्स अप्रॉक्स आपको, आप देख सकते हैं दोस्तों कि मात्र ये 15 डेज में आपको 12 to 15% का आपको एक टारगेट देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा टारगेट है दोस्तों। और ये अभी और ऊपर जाएगा, जो मैंने टारगेट बता रखा है वहाँ तक जाएगा दोस्तों। तो ये 15 डेज में इतना अच्छा टारगेट मिला दोस्तों। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ है दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था दोस्तों, जितने भी वीडियोज़ है वो सारे वीडियोज़ बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा। सभी के सभी, चाहे वो एक्सपेलो हो दोस्तों, चाहे वो कोई भी शेयर हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। रिलायंस में मैंने पुट बाई करने के लिए बोला था, डाउन साइड बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। भारती एयरटेल हो दोस्तों, नेटवर्क 18 हो दोस्तों, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अभी मैं एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी लेके आया हूँ, जो शॉर्ट वीडियो में मैं करूँगा, तो उसको भी आप देखें, वॉच करें दोस्तों। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए हम लोग अपने स्विंग ट्रेड के नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि जी इंटरटेनमेंट है दोस्तों। तो जी इंटरटेनमेंट के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, इसके हम लोग सभी न्यूज़ देखते हैं जी पे, और जी के बहुत सारे चैनल्स हैं दोस्तों, सभी चैनल्स हम लोग देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात किया जाए तो 32,749 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। करेंट प्राइस 341 है दोस्तों। और अगर आप ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो 14.1 है, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं दोस्तों तो 8.11% है, जो 8.11% जो मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मानूंगा इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक दोस्तों। और स्टॉक पीई की बात करते हैं, और जो इंडस्ट्री पीई के आसपास ट्रेड हो रहा है 28.2, जो कि ठीक ठाक आप कह सकते हैं दोस्तों। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए बाकी दोस्तों, तो सन टीवी नेटवर्क मुझे ज़्यादा ठीक लगता है उस मामले में, बट फिर भी आप कह सकते हैं अभी जी इंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा चैनल है दोस्तों। और इसका जो स्टॉक पीई है वो 28.24 है, जो कि ठीक ठाक है, कोई बहुत ना अच्छा ना बहुत खराब। डिविडेंड की बात किया जाए तो 0.73, जो कि एवरेज आप कह सकते हैं दोस्तों। अगर सेल्स की बात किया जाए दोस्तों, तो सेल्स कंसिस्टेंटली, अगर क्वार्टरली सेल्स या फिर नेट प्रॉफिट की पहले बात करते हैं क्वार्टरली, तो सितंबर 2021 में जो कि आपको 270 करोड़ रुपीस देखने को मिला, अगर पिछले सितंबर 2020 से बात किया जाए तो वो आपको 94 करोड़ था। बट ये आप इतना कम इसको नहीं माने, क्योंकि उस वक्त जो टैक्स था वो 44% था, और अभी टैक्स कम गया है 26%, इस कारण भी ये आपको चेंजेज आने को मिला है। बट फिर भी उसके अलावा भी कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ भी किया है, क्योंकि अगर टैक्स को हटा भी दिया जाए तो लगभग डबल डिजिट में ग्रोथ, डबल किया है ग्रोथ में। और सितंबर 2019 से अगर कंपेयर किया जाए दोस्तों, तो खैर उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है सितंबर 2019 से। आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और क्लियर समझ में आएगा हम लोगों को। तो अगर आप सेल्स की बात किया जाए तो 2200 करोड़ का सेल जो 2010 में हुआ था 2021 में, क्योंकि आप जब 8 इयर्स 10 इयर्स का देखते हैं तो एक ब्रॉड आपको नजर आएगा, जो लगभग 7730 करोड़ है, 7730 करोड़ है, जो कि लगभग 4 टाइम्स है, जो 10 इयर्स में एक अच्छा माना जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ जो इसका साल दर साल जो सेल्स जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, जो कि आप सही कहेंगे 14-15 से लेकर के 16, फिर देखिए फिर 17 में आप देखिए, हर साल इस सेल्स में एक इंक्रीमेंट आया है, जो कि मैं पॉजिटिव मानूंगा। लेकिन हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि टैक्स में हमेशा डेविएशन आते रहा है, इस करंट प्रॉफिट में हमेशा इफेक्ट पड़ते रहा है, जैसा कि 40% से एकाएक अगर टैक्स गिर जाता है 23% पे, यहाँ पे खैर सेल्स भी बहुत ज़्यादा हुई थी काफ़ी, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो आप ये देख सकते हैं। बट उसमें जो बचत हुआ था वो एक काफ़ी ज़्यादा बचत था दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का मतलब। और इसमें कुछ अदर इनकम भी जो आया था वो बहुत ज़्यादा, या फिर कोई एसेट वगैरह उस समय सेल हुआ हो या कुछ हुआ हो,
तो अदर इनकम जो आया था उसकी वजह से ये एक प्रभाव पड़ा है जो 2221 करोड़ का आप कह सकते हैं। तो अगर बाकी सब कंपेयर किया जाए 18 कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है, 18-19 भी अच्छा है। फिर 19 के बाद एक गिरावट देखने को मिला, मगर उसमें इसका एक बहुत बड़ा हाथ है कि टैक्स का टैक्स फिर इंक्रीज भी हुआ है। कंपनी एवरेज है, फाइनेंशियल अभी तक देखते हुए बहुत ही एवरेज लग रहे हैं, बिलो एवरेज भी आप कह सकते हैं दोस्तों। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग, प्रमोटर ने काफ़ी लूज किए हैं दोस्तों, हमेशा समय समय पर शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर ने हटाए हैं, जो कि एक बहुत ही ये भी सोचनीय बात है, टेंशन की बात है। बट FII हमेशा से इसमें रहा है और FII का बहुत बड़ा स्टॉक है। देखिए स्टेक जो है 57.18 का, जो कि एक बहुत ज़्यादा आप मान के चल सकते हैं। पब्लिक के पास अभी 22% है, जो कि पहले तो बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अभी पब्लिक में भी आप 10% OFI ग्लोबल का है दोस्तों, तो उस 10% को हटा दिया जाए तो 12% के आसपास पब्लिक के पास है दोस्तों। तो अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर पूरे आप फाइनेंशियल्स में मैं बोलूंगा तो 5 out of 2.5 स्टार के आसपास आप दे सकते हैं दोस्तों, ना कि बहुत ही अच्छी कंपनी है ना बहुत खराब। अभी फिलहाल इसमें ग्रोथ मीडिया सेक्टर में बहुत है दोस्तों, क्योंकि जो भी चैनल्स है वो अभी डिजिटली फॉर्म में भी आ रहे हैं दोस्तों, सैटेलाइट से इनके पास बहुत सारे एसेसरीज है, तो इसका यूज करेंगे दोस्तों। अभी इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज भी आई है दोस्तों कि जी और सोनी का एक मर्जर फाइनल स्टेज पे आ गया है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है जी के लिए दोस्तों। अगर ये न्यूज पूरी तरीके से अगर हो जाती है तो जी को भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सोनी का इसमें स्टेक भले ही ज़्यादा रहेगा बट जी को एक इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा दोस्तों। आइए देखते हैं अभी इसके टेक्निकल्स कहाँ हैं और किस तरीके के ये हैं और इसमें किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी फिलहाल ये 340.95 पे ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। मैं अगर सेफ ट्रेडर कोई है तो मैं उसको सलाह यही दूंगा दोस्तों कि जब ये 365 आप करके रखिए, 365 अगर ये क्रॉस करता है तो फिर हम इसमें एंट्री लेंगे और आराम से सेम डे और 2-3 डेज में अगर ये यहाँ पे रेसिस्ट कर जाता है तो आराम से आपको 4-5% 7% तक का टारगेट आपको 2-3 डेज में देखने को मिल जाएगा इजिली, जो कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट है दोस्तों। अगर 7% का आपको टारगेट मिलता है दोस्तों 2-3 डेज में तो बहुत ही अच्छा टारगेट माना जाएगा दोस्तों। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा दूँ दोस्तों कि इसका जो हाई है दोस्तों वो काफ़ी ऊपर तक है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं, इसका जो हाई है दोस्तों ये 2018 में जब मिड कैप स्मॉल कैप गिरना शुरू हुआ था उस वक्त ये ऑटोमेटिकली ये भी गिरा था दोस्तों और एक बहुत अच्छा लो भी बनाया दोस्तों। उसके बाद इसमें रिकवरी आई, सबसे बड़ी बात है कि 200 मूवी एवरेज, क्योंकि इसका जो हाई आप देख सकते हैं 616 का है दोस्तों, तो ऑब्वियस बात है अगर आप लॉन्ग टाइम में अगर इसमें रेसिस्ट करते हो तो मैं उतना तो नहीं बोलूंगा बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि 500 तक आप आराम से इसका टारगेट आप रख सकते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल भी आप इसको एंट्री ले सकते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं वो फिलहाल भी एंट्री ले सकते हैं, बट हो सकता है उनको थोड़ा सा वेट करना पड़े टारगेट के लिए, बट फिर भी टारगेट इसमें मिलेंगे दोस्तों आराम से। इसमें आप 500 तक का टारगेट 3-4 मंथ्स में आप रख सकते हैं इजिली, आपको देखने को मिलेगा ये 500 तक का टारगेट विदाउट एनी डाउट, जो कि आप देख सकते हैं अगर उसका वो टारगेट कितना है अगर आप मिलाते हैं तो आप देख लीजिए दोस्तों, वो टारगेट अप्रॉक्स आपको पड़ेगा आप देख सकते हैं लगभग 45% का, और ये 3-4 मंथ्स में, जो कि बहुत बहुत बड़ा टारगेट मैं जानता हूँ, ये मैं एज ए बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बट हम इसमें जो न्यूज़ आई है और अभी जो यूपी का इलेक्शन है ये सब इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कराएगा दोस्तों। अभी ये शॉर्ट टर्म में भले ही इसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है बट शॉर्ट टर्म में अगर ये स्टॉक चलता है तो अभी बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों काफ़ी दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट किया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत दिनों तक यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने के बाद जो ये रेंज है जो आपको 236 से लेकर के आप कह सकते हैं 173 का, ये जो रेंज है आपको आप कह सकते हैं दोस्तों लगभग आपको जो 21 अगस्त से ये जो कंसोलिडेट करते करते ये अभी कुछ दिन पहले 14 सितंबर को ये ब्रेकआउट दिया था दोस्तों, और उसके बाद ब्रेकआउट दे के वापस यहाँ पे एक तरह का कंसोलिडेशन किया और फिर इसका इस जोन का ये ब्रेकआउट दिया दोस्तों। आप गौर से देखिए दोस्तों कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट इसने दिया है और ये ब्रेकआउट आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट को आप कह सकते हैं ये बहुत ही पॉजिटिव ब्रेकआउट है दोस्तों।
तो आप इस आधार पे भी आप कह सकते हैं कि अगर इसको ये सस्टेन करता है, थोड़ा भी ऊंचा जाता है, तो अभी आप इसको ले सकते हैं। और इसमें फर्स्ट टारगेट आप आराम से ही, मैं तो कहूंगा 500 से कम इसका टारगेट रखना ही नहीं है। बट हाँ, अगर सेम डे और 4 to 5 days में अगर लंबा टारगेट मिल जाता है तो हम उसको बुक कर लेंगे दोस्तों। और अगर आप सेफ ट्रेडर है तो मैं फिर से बोलूंगा 364 को आप, अगर 364 से ऊपर जाता है उस दिन आप बाई करें तो सेम डे और 1 or 2 days में आपको 5 to 7% का एक बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। इसमें जरूर हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे दोस्तों, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस इसमें लेके चलना ठीक नहीं है दोस्तों। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा 295 का आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस आराम से, 295 296 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसका टारगेट आप आराम से थोड़ा ऊंचा तक भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी यूपी का इलेक्शन है, इलेक्शन के समय ये और शेयर भागेगा, मर्जर वगैरह की जो स्थिति है तो वो भी इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देगा। तो आप अभी के अभी बाई कर सकते हैं 2 to 3 months के लिए दोस्तों, जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और दोस्तों प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।